तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैप्टन मुंबई पे, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये 4 रुपए में बिकने वाला जो पान मसाला है, वो शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे महंगे महंगे एक्टर्स को कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि ये इंडस्ट्री, ये जो पान मसाला या इलायची युक्त पान मसाला जो बेचते हैं, वो इंडस्ट्री कितना कमाती है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो इंडिया में पान मसाला का जो मार्केट है वो 44,000 करोड़ का है, यानी कि 44,000 करोड़। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, वहीं चॉकलेट मार्केट जो है वो 16,000 करोड़, मतलब कि 16,000 करोड़ का है, और जो बिस्किट का मार्केट है वो 37,000 करोड़, यानी कि 37,000 करोड़ का है। WHO says कि अभी भारत में 10 करोड़ लोगों को एवरी ईयर मुंह का कैंसर होता है, और 21st सेंचुरी में ये 10 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ होने वाला है। आप सब लोग मूवी देखने जाते हैं तो उसमें आपने वो मुकेश वाला ऐड तो देखा ही होगा, और उसमें ये भी बताया गया है कि गुटखा खाने से क्या रिलेशन है कैंसर होने का। तो अगर आपको पान मसाला के साइड इफ़ेक्ट्स जानने हैं तो उसमें आपको साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक मूवी देखने की ज़रूरत है। और ये जो 44,000 करोड़ की इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि ये जो मार्केटिंग जीनियस है इस इंडस्ट्री के, वो एकदम अच्छी तरीके से अपने ऐड को दिखाते हैं, और उसमें बहुत सारा चीज़ बताते हैं कि आपको ये खाने से ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो कि बिल्कुल होता नहीं है। और इसमें क्या होता है कि उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें पता चली, तो 2011 में स्टेट गवर्नमेंट ने इस टोबैको युक्त पान मसाला पे बैन लगाया था। तो बैन लगाने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो टोबैको निकाल के सिर्फ पान मसाला बेचने लगे। अब पान मसाला बिकता है और उसको भी सेम ही ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है जो कि बिस्किट, चॉकलेट या जो भी फूड आइटम्स हैं उनको रेगुलेट करती है। तो आप सोचते होंगे कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जो है FSSAI, वही इन सारे फूड आइटम्स को रेगुलेट करती है और इसको एक फूड आइटम की तरह बेचा जाता है। पर जब आप पान की टपरी पे जाते हैं तो ये पान मसाला में कुछ नहीं है, पर उसके साथ में आपको दिया जाता है और एक छोटा पैकेट जिसमें मेन माल होता है, और उस मेन माल को पान मसाला में ऐड करने से आपको मुंह का कैंसर मिलता है। क्या आप लोगों को पता है कि जो इसका स्पिट है, जो लोग थूकते हैं, ये रेड क्यों होता है? क्योंकि ये जब चूना हमारे मुंह में प्रेजेंट हुए सलाइवा से मिक्स होता है तो एक एरिकोलिन नाम का कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका कलर ऑरेंजिश रेड होता है। वो तो आप लोग ने जगह जगह पे देखा ही होगा, दीवारों पे, रेलवे स्टेशन पे, स्ट्रीट्स पे, काफ़ी सारे जगह पे लोग थूकते रहते हैं और इसको ऑरेंजिश रेड बनाते रहते हैं। तो हमारे रिसर्च के मुताबिक हमको एक बात पता चली है कि 2011 में विनय तिवारी नाम के एक बिजनेसमैन थे, उनको ओरल कैंसर हो गया था। तो ओरल कैंसर होने के बाद तो उन्होंने गुटखा इंडस्ट्री की पोरी खोल दी। इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला और पता लगाया कि अगर ये गुटखा इतना सस्ता नहीं बेचे तो इनकी कमाई नहीं होगी, जो लोअर इनकम क्लास वाले इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये कत्था नहीं यूज़ करते। ये कत्था के बजाय इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर गैम्बियर नाम के हार्मफुल केमिकल्स यूज करते हैं, जिससे इस गुटखा का फ्लेवर बरकरार रहता है, तभी तो ये सारे लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। नहीं तो अगर ये ओरिजिनली कत्था या फिर केसर, ये सब सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने लगे तो इनको इनका दाम या इनका रेट बढ़ाना पड़ सकेगा, और बढ़ाने के बाद जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले लोग हैं वो इनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा और इनकी सेल्स बहुत कम हो जाएगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए या भागने में ये जो इंडस्ट्री है, पान मसाला की इंडस्ट्री है, वो बहुत ही माहिर है, क्योंकि टेक्निकली उनके प्रोडक्ट में टोबैको तो प्रेजेंट ही नहीं है, और इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट के पीछे वो कैंसर वाली फ़ोटो लगाते नहीं हैं, और ये बड़े बड़े स्टार्स से एडवर्टाइज़ कराते हैं, उनको 5-10 करोड़ देते हैं एडवर्टाइज़ करने के लिए। पर हमारे जो नादान लोग हैं वो समझ नहीं पाते, स्टार्स अगर ये खाते भी हैं तो अगर उनको कुछ हो भी जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर वो हो भी जाता है तो वो कैंसर की ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। पर आप लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं क्या? और ये तो इसमें मेंशन नहीं होता है कि इसके साथ में आपको टोबैको मिक्स करके खाना है या कैसे खाना है, ये सारा एडवर्टाइजमेंट मिक्स बोलते नहीं है, फिर भी आप वो कंज्यूम करते हैं ये सब पता होने के बाद भी। आप सब लोगों को पता है कि कोविड में टोटल 5 लाख लोगों की जान गई, और इससे जो बीमारी होती है या चांसेस है होने की, जैसे कि जिसको भी इससे ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बीमारी, अगर वो बीमारी किसी भी
कंज्यूम करने वाले, पान मसाला कंज्यूम करने वाले व्यक्ति को अगर है, तो अगर वो कहीं पे भी थूकेगा तो उसके जो ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट होंगे उनसे किसी और को भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, और ट्यूबरक्लोसिस से मर जाने जो जाती हैं हर साल वो 5 लाख होती हैं, और उसके 1/3 केसेस इंडिया से आते हैं। और कई ब्रांड्स तो ऐसे ऐसे टैगलाइन बनाती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, वो ऐसे टैगलाइंस है कि अगर ये आपके मुंह में होगी तो आपके कदमों में दुनिया होगी, ऐसे बहुत सारे टैगलाइंस बनते हैं और मुझे कभी कभी हंसी आती है वो देख के। बट अगर एक चीज़ अगर सोची जाए कि ये पान मसाला जो कंपनीज बनाते हैं इनके वजह से जो गंदगी फैलती है, क्या इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर आप देखें तो रेलवे जो है वो 1200 करोड़ हर साल स्पेंड करती है इस दाग धब्बे को साफ करने के लिए। ये 44,000 करोड़ ईयरली कमाते हैं, इसमें क्या 0.01% ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब साफ करने के पीछे नहीं डाल सकते? तो इन कंक्लूजन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने टोबैको, गुटखा ये सब खाने की आदत छोड़िए। आप अपने बारे में नहीं तो अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बाकियों के लोगों के बारे में जो आपके घर में उनके बारे में सोचिए। अगर भगवान ना करे आपको कैंसर हो जाता है तो उनको कितनी तकलीफ होगी, उस ट्रीटमेंट में कितने पैसे जाएंगे, जो लोअर क्लास के लोग हैं वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाना है, और ये अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए कि ताकि वो टोबैको, गुटखा ये सब खाने की आदत छोड़ें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई विश यू ऑल अ हेल्दी, वेल्दी एंड अ प्रॉस्परस डे। ड्रीम बिग, लिव बिगर एंड मेक इट लार्ज। यू गाइस टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।